अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? तो अभी हम बाउदी, एक थेंजन का एरिया है, उधर से हम मूव कर रहे हैं। मैं डाउनटाउन जाऊंगा अभी, तो मैंने कहा दोस्तों के साथ वो लाइव भी शेयर कर लेते हैं। तो अभी हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं। आप मेरा उधर बैग पड़े हुए हैं सामने, जहाँ वो लड़की खड़ी हुई है। तो अभी ये ट्रेन आ रही है, फिर हम ट्रेन में चढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि क्या सीन है। तो अभी हम ट्रेन के अंदर आ गए हैं। तो अभी मैंने इधर सामान मैंने रख लिया है। तो अभी मैं इधर बैठता हूँ। तो अभी हम बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हैं। तो थोड़ी देर में ट्रेन चलने वाली है, फिर हम अपने सफ़र का आगाज करेंगे। आप इधर देख सकते हैं। तो अभी जो है ट्रेन स्टार्ट तो है, अभी स्टार्ट होगी ये चलना। तो हम आप देख सकते हैं इधर ट्रेन मूव कर रही है स्लो स्लो, फिर जैसे तेज तेज होती जाएगी हम अपनी मंजिल की तरफ चलते जाएंगे। एक्चुअली अभी चाइना में कोरोना के केसेस आ गए हैं कुछ, तो इस वजह से मास्क कंपलसरी हो गया है, हर एक को मास्क पहना हुआ है एहतियात के लिए, और चेकिंग वेकिंग भी बहुत कर रहे हैं। ये थोड़ी बारिश की बाहर मौसम है, तो ये आप देख सकते हैं शीशे को थोड़ा वो हो गया है, स्टीम हो गया है बाहर। अभी ये हम सिटी से अभी ऑलमोस्ट निकल चुके हैं, तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल गांव ही गांव लग रहा है ऐसे, जैसे ये गांव की देख सकते हैं आप। अच्छा, ये जो है ये सिटी से बिल्कुल बाहर है, ये गांव का एरिया, आप इसको गांव के एरिया में वो कर सकते हैं। ये गांव है, सिटी नहीं है, ये जो है बाहर वाला इलाका है। देखो कितने पौधे लगे हुए हैं इधर, जो चाइना ग्रीन है ना, इस वजह से बड़ा इनको फ़ायदा है। हर जगह पे पौधा लगा हुआ है, हर जगह पे, कोई खाली जगह नहीं है। ग्रीन चाइना लगा पड़ा है, ग्रीन चाइना देख सकते हैं आप। यही इनकी चीज़ है ना, जो इनको मेहनत जो करते हैं, ये बड़ी मेहनत करते हैं। चलो भाई, समंदर आ गया, समंदर आप देख सकते हैं, ये पानी बिल्कुल लगा हुआ है। तो समंदर का भी आपको हमने दीदार कराया है, बिल्कुल गांव लगा पड़ा है। ज़बरदस्त। चलो भाई जी। तो दोस्तों, अभी मेरे आगे पीछे मतलब नज़दीक कोई नहीं है, तो मैंने मास्क उतारा हुआ है, और अभी बाहर बिल्कुल सूरज ढलने वाला है। तो अभी भी हमारा जो सफ़र है वो चल रहा है, एक घंटे के बाद हम पहुंच जाएंगे, फिर आपको उधर का भी नज़ारा करवाएंगे कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, इंशाल्लाह आपको सब कुछ बताएंगे। मेरे आगे पीछे कोई नहीं, आप पीछे देख सकते हैं, लोग नहीं हैं, क्योंकि ये जो जहाँ से मैं आ रहा हूँ वो एक साइड वाला इलाका है ना, तो लोग बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात, ये कोरोना की वजह से भी लोग काफ़ी ट्रैवल बंद कर रहे हैं, ट्रैवल कम कर रहे हैं, और तो ये चीज़ है। और मेरे जहाँ पे रहता था उधर से बसें भी आती थी पहले, लेकिन आजकल वो बसें भी, पहले 20 बसें आती थी, तो आज 7-8 आ रही हैं, तो वो भी कम कर दी हुई है इन्होंने। तो आप देख सकते हैं लोग भी ट्रेन में भी लोग कम हैं। जी दोस्तों, तो अभी हम सिटी में पहुंच गए हैं, अभी जो है नॉर्थ रेलवे स्टेशन पेजान पे पहुंच गए हैं। तकरीबन काफ़ी लोग उतर गए हैं, काफ़ी मतलब सारे लोग उतर गए, आप देख सकते हैं कि कोई बंदा नहीं है, बस
कुछ कुछ डब्बों में है। तो हमारा जो स्टेशन है वो थियंजिन जान है, थियंजिन रेलवे स्टेशन है, जो मेन है थियंजिन का। हम उधर उतरेंगे, अभी देख सकते हैं कोई बंदा नहीं है, सारे उतर गए हैं। बस इस डब्बे में तो मैं हूँ और ये मेरा सामान है। तो देखते हैं आगे जाके अगली स्टेशन पे उतरेंगे, तब तक के लिए। तो अभी मैं उठा हुआ हूँ, तो अब मैंने कहा कि आप लोगों को ये भी दिखा दूँ, सिंक लगी हुई हाथ बात धोने के लिए, साबुन वाबुन तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ये सिंक लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये मिरर है, इधर भी फायर एक्सटिंग्विशर, तो ये चीज़ें लगी हुई हैं इधर, ये आप देख सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड वाला आ रहा है, और इधर भी सिक्योरिटी वाले सफाई कर रहे हैं। जिधर भी रुकती है थोड़ा टाइम, तो सफाई इनकी अपनी लगी रहती है। हाँ सर जी, तो अभी हम निकल चुके हैं फिर अगले स्टेशन पे। तो अभी हम बैजान से थेंजिन जान जाएंगे, जो थेंजिन का सबसे बड़ा स्टेशन है, मतलब जो मेन है, उधर हम जा रहे हैं। वो नज़दीक ही है, 5 4 5 किलोमीटर भी शायद ना हो। तो इधर इसने थोड़ा स्टे किया, क्योंकि इधर काफ़ी लोग उतरे थे, तो मैंने कहा आगे वाले स्टेशन पे मैं उतर जाऊंगा। तो अभी हम चल पड़े हैं, फिर आगे देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ तो जी, अभी हम स्टेशन पे पहुंच गए हैं। सामान मेरे पास थोड़ा ज़्यादा है, तो थोड़ी उठाने में वो हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, आप देख सकते हैं कि ये बड़ा थेंजिन जान है। इधर अभी हम पहुंच गए हैं, कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं, कुछ जा रही हैं। आप इधर देख लें, चारों तरफ देख लें, बहुत बड़ा स्टेशन है, बहुत बड़ा स्टेशन है। हाँ तो अभी हम सबवे स्टेशन में पहुंच गए हैं, थक गया हूँ यार, बहुत सामान है। तो अभी आप देख सकते हैं ये सबवे स्टेशन है, लोग बैठे हुए हैं, कुछ खड़े हुए हैं। ये मेरा सामान है, 2 3 बैग्स हैं, तो आप देख सकते हैं। और अभी ये ट्रेन स्टार्ट हुई है। तो ये चीज़ है। तो जी अभी हम सबवे से उतर के आ गए हैं, तो अभी हमें एग्ज़िट करना है। ये एग्ज़िट मशीनें लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। इधर मुझे टिकट, अगर आपके पास है तो टिकट स्वाइप करेंगे, अगर आपके पास मोबाइल ऐप है तो वो उसके थ्रू आप काम कर सकते हैं। अभी मैं इधर से एग्ज़िट करूँगा, फिर बाहर से टैक्सी पकड़ेंगे, फिर सीधा जाएंगे घर। तो आप देख सकते हैं इधर ये सबवे स्टेशन है।